ट्रांसलेशन पढ़े? बिल्कुल पढ़े हैं। अच्छा, मेरे पास एक आम खाता है। मेरे पास एक आम खाता है। आई हैव अ जनरल अकाउंट। आई हैव अ जनरल अकाउंट। या ताली बजाइए थी इसके लिए। मैं एक आम खाता हूँ। आई हैव अ पासबुक। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश हुआ है, इंग्लिश से वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश एक वर्ड है। हाँ चलिए। अच्छा, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन पांच प्रकार के होता है। कौन कौन? थी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रोपोजिशन, इंटरजेक्शन। अच्छा, ये होता है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हो उमेश यादव ब्लॉगर। अभी हम महनार में है, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट। और आज जैसा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम है और आज बच्चे इंग्लिश का पेपर दे के बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा जानने की प्रयास करता हूँ कि कैसा उनका एग्ज़ाम गया और वो इंग्लिश पढ़ाई करते हैं या नहीं। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई? गोलू। कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक गया। कितना नंबर का था? 80 नंबर का। 100 नंबर था, सॉरी 100 नंबर का। अच्छा, कितना नंबर लिखे है? वही 50 नंबर लिखे हो। 50 नंबर लिखे हैं। पढ़ाई किए थे इंग्लिश? हाँ किए थे, किए थे। अच्छा चलिए, तो इंग्लिश में क्या पढ़े थे आप बताइए तो? अच्छा भूल गया। अच्छा, क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कहाँ से है? बिहार से। बिहार से? बिहार से में कहाँ? वैशाली जिला से, राघोपुर से। राघोपुर से। हाँ। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाई करते थे? हाँ। चीटूट भी ले गए थे? नहीं नहीं ले गए थे। नहीं, कसम से। कसम से। अच्छा चलिए, तो कितना नंबर लिखे हैं? कितना नंबर लिखे? 95 आ जाएगा। 95 लिखे? रुको ना भाई। तो इंग्लिश में क्या पढ़े हैं बोलिए तो? इंग्लिश में बहुत पढ़े। अच्छा, पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। ट्रांसलेशन पढ़े हैं? हाँ सब पढ़े हैं। अच्छा, काम में थोड़ा जा रहे हैं। अच्छा रुकिए ना रुको ना। अच्छा, आप ट्रांसलेशन पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। अच्छा, मेरे पास एक आम खाता है। मेरे पास एक आम खाता है। हाँ। I have a general account। I have a general account। या ताली बजाइए थी इसके लिए। हल्ला नहीं कीजिए, आप लोग हल्ला नहीं कीजिए प्लीज। कितना नंबर लिखे है? 100 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। ग्रामर से कितना आया था? ग्रामर से आया था 40%। 40%। अच्छा, ग्रामर पढ़े हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए पार्ट्स, नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या वर्ब क्या होता है? वर्ब, किसी काम को करना वर्ब। हल्ला नहीं करो कोई, प्लीज हल्ला नहीं करो। हल्ला करेगा तो फिर हम चले जाएंगे, ठीक है? क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। क्या नाम हुआ भाई? विकास कुमार। क्या नाम हुआ? रिकी कुमार। क्या नाम हुआ? तैयब हुसैन। कैसे गए? हल्ला नहीं करो, हल्ला करेगा बेवकूफ है क्या? तो अभी कुछ कैंडिडेट है, कैसे गए एग्जाम? ठीक गया। पढ़ाई किए थे? हाँ किए थे। आप कैसे गए एग्जाम? बहुत अच्छा किया। कहाँ से? हम घटारो से हैं। घटारो से। अच्छा, कितना नंबर का एग्जाम था? 100 नंबर के था। 100 नंबर का था। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। कैसा गया एग्जाम? ठीक गया। ठीक गया? यस सर। कितना नंबर लिखे हैं? 85 नंबर तक लिखे हैं। 85? यस सर। ए, कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है? हल्ला करेगा शांति से जवाब दो, जो हम पूछ रहे हैं वो जवाब दो, ठीक है? चलिए, क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। कहाँ से है? घटारो से। कौन सा पेपर का एग्जाम था? इंग्लिश। इंग्लिश का? कितना नंबर का था? 100 नंबर का। पढ़ाई की है इंग्लिश? जी सर। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश सुधार क्या होता है? चलो इसमें से पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ? विकास कुमार है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश हुआ है, इंग्लिश से वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश एक वर्ड है। हाँ चलिए। अच्छा, ये बताइए कि इंग्लिश में क्या पढ़ाई की है? इंग्लिश में नाउन पर नाउन ये किताब पर है, और क्या पढ़े? नाउन पर नाउन पर है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है 6 प्रकार के होता है। 6 प्रकार के। अच्छा, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होता है। कौन कौन? थी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रोपोजिशन, इंटरजेक्शन। अच्छा ये होता है। हाँ ये होता है। अच्छा ये होता है। अच्छा, टेंस पढ़े हो? टेंस नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा है। ट्रांसलेशन पढ़ते हो? हाँ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक आम खाता हूँ। आई हैव ए पासबुक। आई हैव अ मैंगो। हाँ, मैं आम खाता हूँ। ऐसा बोले कि आप खाते हैं तो आई हैव ए पासबुक। चलो ठीक है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम। अच्छा गया। कितना नंबर लिखे? 85 नंबर। 85। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार।
कौन सा पेपर का एग्जाम था? इंग्लिश का। कितना नंबर लिखे हैं? 80% अच्छा ये बताइए कि इंग्लिश पढ़ाई किए हैं? हाँ नहीं किया लेकिन लिख दिए हैं। तो चीटिंग उटिंग की है कि नहीं? चीट कौन ले जाता है यार? ये लोग चीट नहीं ले जाता, यार लोग चीट नहीं ले जाता, नहीं ले जाता, ये लोग नहीं ले जाता, चीट नहीं ले जाता। बिहारी के सर दिमाग इतना। क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। कैसा गया एग्जाम? बहुत गजब गया एग्जाम। बहुत गया मस्त मस्त मस्त। हाँ फर्स्ट फर्स्ट निकाल देंगे, हाँ आराम से निकाल देंगे। अच्छा कितना नंबर लिखे हैं? 90+ लिख दिए हैं। 90+ ओके। अच्छा ओके। अच्छा ये बताइए कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं? डू यू नो हाउ टू टॉक टू इंग्लिश? ओके हाँ बोलिए। ओके व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आदित्य कुमार। आदित्य कुमार ओके। ओके वेयर आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम इज द इंडिया। आई फ्रॉम इज द वैशाली। वैशाली? यू आर फ्रॉम वैशाली? हाँ वैशाली या कंचनपुर हंसी गाँव का नाम। हाँ ओके। व्हाट्स योर हॉबी? माई हॉबी इज द गेम क्रिकेट कबड्डी। योर हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट? हाँ प्लेइंग क्रिकेट। ओके व्हाट्स योर एम्बिशन? क्या व्हाट्स योर एम्बिशन? आई डोंट नो ये हमको नहीं आता। आई डोंट नो एम्बिशन यानी पढ़ लिख के आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? हाँ तो आईपीएस बनेंगे। आईपीएस? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। मैंने यू वांट टू बी अ डॉक्टर? हाँ आई एम अ डॉक्टर। यू वांट टू बी अ डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर। व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि लोगों को सेवा करना चाहते हैं फ्री में और अच्छा से करना चाहते हैं। बिहार में बहुत ₹5 वाला एग्जाम करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। चलिए इसके लिए ताली बजाइए। तो शांतिपूर्वक जवाब दे। आ जाओ आ जाओ, चलो हल्ला नहीं करो, सबसे पूछेंगे। क्या नाम? किशन कुमार। किशन हाँ कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा कितना नंबर लिखे हैं? 70+। इंग्लिश पढ़ाई करते थे? बस थोड़ा बहुत हाँ, पढ़ते थे। हाँ पढ़ते थे। अच्छा ग्रामर पढ़े हैं? ग्रामर हाँ पढ़े थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए कि नाउन होता क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड होता है। नाउन में होता है, सात नेम होता है। अच्छा नाउन प्ले प्ले नाउन है या वर्ब है? क्या प्ले 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 नाउन हो गया? नाउन हो गया। कैसे नाउन हुआ? क्या प्ले मतलब खेलना? प्ले मतलब नाउन हो गया, ठीक है ना। प्ले मतलब खेलना होता है और खेलना तो भर नाउन हो गया। अच्छा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं अंग्रेजी इंग्लिश आई एम इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश आई एम स्पीक इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश और मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आई डोंट नो इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो इंग्लिश। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए वेरी गुड। और कौन बताएगा? पढ़ाई किए हैं? यस सर। कैसा गया एग्जाम? सर बहुत बढ़िया गया है। बहुत बढ़िया गया। यस सर। अच्छा इंग्लिश पढ़ाई करते थे? यस सर करते थे। कितना नंबर लिखे हैं? सर 100 में 100 लिखे हैं। 100 में 100 नहीं जोड़ाते थे क्या? सब लिखेंगे, आता है जितना। अच्छा, सब लिखेंगे। ग्रामर पढ़ाई किए? यस सर किए हैं। ग्रामर में क्या पढ़े? सर ग्रामर में सब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब पढ़े हैं। अच्छा एडजेक्टिव का कोई एक एग्जांपल बताइए। सर एडजेक्टिव का मैं उस क्रिया को कर रहा हूँ। मैं उस क्रिया को जैसे मैं उस खेल को खेल रहा हूँ, ये हो गया नाउन। नाउन की विशेषता बता रहा है इसे। एडजेक्टिव होता क्या ये पहले बताइए? एडजेक्टिव क्या? संज्ञा की विशेषता बताने वालों का एडजेक्टिव करते हैं। अच्छा वेरी गुड। संज्ञा को किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता को बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा कोई एक एग्जांपल बताइए। एग्जांपल सर जैसे मैं खेलता हुआ पकड़ा गया, तो ये हो गया कि आप खेलते हुए हैं और आप पकड़े गए, तो इसको हेल्प कर रहा है, तो आप इसमें हेल्प कर तो एडजेक्टिव हो गया, या नाउन प्रोनाउन दोनों इसमें हो गया। अच्छा ये बताइए ट्रांसलेशन कुछ जानते हैं? मेरे पास एक कुत्ता है, क्या होगा? आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग यस सर। अच्छा और मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आई एम ऑल्सो नो टू स्पीक इंग्लिश। ये होगा? नहीं सर ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, आपको अच्छा प्रयास किया है, इसका होगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। और कोई है क्या? हाँ स्टार्ट करो। क्या नाम हुआ? निकास कुमार। तुम्हारा क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। कैसा गया एग्जाम? ठीक गया। इंग्लिश पढ़ते थे? यस सर। कैसे पढ़ते थे? कैसे ग्रामर ये सब पढ़ते थे। इंग्लिश बोलना जानते हैं? नहीं इंग्लिश नहीं जानते। इंग्लिश बोलना नहीं जानते? आप जानते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं? इंग्लिश तो हमारा भारत आज तक जानवे ना, क्या अंग्रेज लोग सिखाया तो कहाँ से हम लोग सीखेंगे। अच्छा आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है आपके लाइफ? जरूरी है लेकिन उतना अभी टीचर नहीं है उतना जरूरी। अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? नहीं होता है। होता है पर उतना हम लोग जाते हैं नहीं। नहीं जाते नहीं। अच्छा तो आप चाहते हैं कि हम मुझे भी अंग्रेजी बोलना आए? आप चाहते कि नहीं? चाहते हैं लेकिन पर बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते। चलिए तो ग्रामर क्या होता है पता है? ग्रामर पढ़वे नहीं किए तो पता कैसे?
कुछ भी नहीं पढ़े इंग्लिश? नहीं नहीं पढ़े। तो कितना नंबर लिखे? लिखे तो है 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा। तो कैसे लिख लिया आप? सब्जेक्टिव लिखे हैं और ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही मार दिए। तो लिख लिए कैसे? आप तो जानते ही नहीं कुछ, तो कैसे लिखे आप? जानते हैं तो किताब पढ़े तो जानबे ना करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग। हाँ, नाउन कितने खास नाम है? नाउन नाउन विकास हो गया। विकास हो गया था, खास नाम है। अब विकास विकास का अच्छा, ये पहले बताइए नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। यस, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए, अच्छा कुछ, अच्छा ये बताइए कि मेरे पास एक कलम है, क्या? आई हैव ए वन पेन। आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। मेरा बेटा है। अच्छा मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव ए डॉग। आई एम अ डॉग। आई हैव ए डॉग। आई हैव अ डॉग। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों अभी मैं आया था महनार उच्च विद्यालय, ठीक है, उच्च विद्यालय महनार बालक हाई स्कूल में, और यहाँ पे मैट्रिक के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे और मैं उनसे फीडबैक लेने की प्रयास किया और उनसे जानने की प्रयास किया कि कैसा उनका एग्ज़ाम गया। और ये आप भी, आप लोग भी जानते होंगे कि ज़्यादा करके बिहार में बच्चे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं इंग्लिश में, खास के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका सारा दोष बिहार सरकार का जाता है, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री है उनको जाता है, क्योंकि बिहार में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है क्लास टेंथ में, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो नंबर इंग्लिश में नहीं जुड़ता है। तो बच्चे भी सोचते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम देंगे ये नंबर जुटेगा ही नहीं, तो वो भी उतना फोकस करते नहीं हैं इंग्लिश पे और इंग्लिश उतना ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब ट्वेल्थ में जाते हैं, जब ग्रेजुएशन करके अगर कोई काम ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो इंजीनियर करने की बात हो, चाहे वो बीटेक करने की बात हो, कोई भी टेक्निकल चीज़ करने की बात हो, तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और बिहार के बच्चों के पास इंग्लिश की बहुत कम नॉलेज होती है, जिसके कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि बिहार में पढ़े लिखे लोग तो है, लेकिन उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, और सिर्फ सर्टिफिकेट से रोज़गार नहीं मिलता। उसकी अगर मैं रोज़गार कहीं पे लेने जाऊँगा तो मेरे पास कोई स्किल होना चाहिए, मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें कोई रोज़गार दे सकता है। तो बिहार के बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिहार सरकार को, राइट। बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको बिहार के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, और बिहार के बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्कूल के जो टीचर होते हैं सिर्फ सैलरी उठाते हैं और पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कारण है कि बेरोज़गारी धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बिहार में बढ़ रही है। बाकी मेरा ये प्रयास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अब तक आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।